नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों एक तो सिकंदर मूवी की बात करने के लिए वीडियो बनाया है कि सिकंदर के बारे में अपडेट आ रहा है। सलमान खान की मच अवेटेड मूवी है, बहुत बड़ी फिल्म है जिसको दोस्तों साजिद नाडेडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और एम मुरुगदास जिन्होंने गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म होने वाली है। सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना है और सबसे पहले ये फिल्म आई थी क्योंकि टाइगर बर्ड से 7 दिसंबर में शुरू होगी और कभी स्टार्ट नहीं हुई है। एक वो भूल करने वाले थे, वो उन्होंने करण जोहर से मतलब करके जल्दी फिल्म छोड़ दी है। मैं प्रेम की शादी सूरज बड़जात्या जी के साथ करने वाले थे, वो भी उन्होंने करने से मना कर दिया है। स्क्रिप्ट के कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, तो अब यहाँ पे कार्तिक आर्यन प्रेम बनने वाले हैं नए। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो अगले वर्ष ईद पे रिलीज होगी और बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी एक्शन मूवी है। तो इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये आया कि दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग 18 जून से शुरू हो रही है या दोस्तों इसी महीने, मतलब करीब 6-7 दिन बाद में फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है और बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस इसमें फिल्माया जाएगा मुंबई में और एयर इलेक्शन होगा ये भी। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा, मतलब 3000 फीट की ऊंचाई से सलमान खान एक्शन करते हुए दिखाई देंगे इसमें। तो इस फिल्म को बहुत ही भव्य तरीके से शूट किया जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त VFX का यूज़ होगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें एक्शन सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसका विलेन मैंने आपको बताया कि बाहुबली फैम सत्यजीत जो कि बाहुबली में कटप्पा बने थे वो इसमें मुख्य विलेन है। और भी बहुत से स्टार्स की एंट्री होगी ऐसी, अभी इसमें कन्फर्मेशन अभी मेरे पास आया नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी फिल्म है और इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप लगा सकते हैं। सलमान खान के प्रशंसक काफ़ी उम्मीदें इस फिल्म से लगा सकते हैं। अगले वर्ष ईद पर 2025 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। आप बताइएगा आपको इस फिल्म से कितनी उम्मीद है और सलमान खान के करियर के लिए ये फिल्म कितनी बड़ी एक माइलस्टोन साबित होने वाली है और क्या ईद 2025 पर ये फिल्म सलमान खान को वाकई ईदी देने वाली है। जो भी आपकी राय बताइएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।